जय ओमकारेश्वर। आज हम हैं ओमकारेश्वर में। अभी चल के सबसे पहले हम करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हमने रूम लिया था यहाँ पे होटल मानसरोवर, कल मैंने आपको दिखाई दिया था। काफी अच्छा रूम है, काफी अच्छा होटल है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें हमारा। ये है जय माँ अम्बे रेस्टोरेंट, इधर पोहा खाएंगे। और ये है सामने गजानन महाराज संस्थान। तो ये आ गया हमारा पोहा, इसमें सेव तो जो मैं बता रहा हूँ कि पूरे आपको एमपी में रतलामी सेव तो डालेंगे, नीचे पोहा है। अच्छा पोहा है, मतलब एमपी में ज्यादातर जगह पे पोहा आपको टेस्टी ही मिलेगा। ये है गजानन महाराज संस्थान, इसमें काफी अच्छे रूम्स और ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है रुकने के लिए। इसके सामने हमने ब्रेकफास्ट करा था, यहाँ पे सामने मार्केट भी बहुत अच्छी है। तो ये हम पहुँच गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य प्रवेश द्वार, जो ब्रिज का गेट है। तो ये हम पहुँच गए झूला ब्रिज पे, तो इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है ओमकारेश्वर में। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मवलेश्वर ज्योतिर्लिंग इस तरफ है। तो इन दोनों को मिलाकर जब दर्शन करते हैं तब पूरा कंप्लीट दर्शन कहलाता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। तो नीचे वहाँ बोटिंग हो रही है, तो बाद में चलेंगे हम, पहले ओमकारेश्वर के दर्शन कर लेते हैं, बाद में मवलेश्वर के भी दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ से ये ओमकारेश्वर डैम भी दिखता है वहाँ सामने, वो रहा। अभी थोड़ी हेज है, सुबह सुबह का टाइम है। तो ये मंदिर के जाने के रास्ते में ऐसे आपकी बहुत सारी छोटी 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 प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, और जब आप मंदिर की तरफ जा रहे होंगे आपको काफ़ी सारे पंडित रोक के कहेंगे जलाभिषेक करवा देंगे, और ये सब हमको भी बोल रहे थे लेकिन हमने मना कर दिया। हम अपने आप ही दर्शन करेंगे, हम नर्मदा नदी को क्रॉस करके उसके दूसरी तरफ आ गए हैं उधर से। तो यहाँ से हमें गौमुख घाट के और ममलेश्वर दोनों के दर्शन हो रहे हैं एकदम क्लियर। ये सामने है गौमुख घाट, वैसे यहाँ पर स्नान कर लोग फिर करने आते हैं दर्शन यहाँ पे। जो ये ओमकारेश्वर मंदिर है पांच फ्लोरों पे, पांच लेवल पे बना है। तो इसमें जो फर्स्ट लेवल है वो है ओमकारेश्वर, देन है महाकालेश्वर, देन है गुप्तेश्वर, फिर ऋणमुक्तेश्वर, देन सबसे ऊपर है ध्वजेश्वर। तो पांच टोटल इसमें फ्लोर है, ऊपर के तीन फ्लोर तो इसमें बंद ही है अभी फिलहाल। ब्रिज को, झूला ब्रिज को क्रॉस करके आए थे पैदल, तो वहाँ से थोड़ा सा चल के आना पड़ता है। अगर आप शॉर्टकट से आना चाहते हैं गौमुख घाट पे, वो सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ पे स्नान करके और आप सीधे बोट पकड़ के 50 रुपये में आपको वहाँ से यहाँ ड्रॉप कर देंगे नीचे। ये ओमकार घाट है, तो इधर से एकदम चढ़ के आप सीधे मंदिर में आ सकते हैं। ये शॉर्टकट और ईजिएस्ट वे है, इस पर दो पुल से आ सकते हैं, एक वो आपको दिख रहा है और एक इस तरफ मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा है, इससे भी आ सकते हैं। तो हम ज्योतिर्लिंग में पहुँचने वाले हैं जस्ट मंदिर में, एंड यहाँ पे लाइन से आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी प्रसाद की। तो यहाँ पर मेन मंदिर कॉम्प्लेक्स में ये है हनुमान जी। जो ये ओमकारेश्वर है ना, ये है मानधाता नगरी, यहाँ के राजा मानधाता हुआ करते थे कभी बहुत पौराणिक टाइम में। जो यहाँ के राजा थे मानधाता, वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो उन्होंने शिव की तपस्या करके उनको प्रसन्न करके काफ़ी साल तक तप करा, तो शिव प्रकट हुए और उनको कहा वरदान मांगो। तो उन्हें वरदान मांगा कि आप यहाँ विराजमान हो जाएं हमेशा के लिए, तो शिव यहाँ पे ओमकारेश्वर रूप में विराजमान हुए। और ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसका नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो पर्वत है ये ओम की शेप में है। अगर ऊपर से देखेंगे इसे आसमान से तो ये ओम की शेप में नजर आता है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और ऐसा होता है कि यहाँ पे कहते हैं कि भगवान शंकर रात को आते हैं सोने। यहाँ पे डेली रात को चौसर सजाई जाती है शयन आरती के बाद, और उसके जो पासे हैं ना, सुबह जब खोलते हैं उसको मेन मंदिर कॉम्प्लेक्स को अंदर से, तो वो पासे उल्टे पड़े पाते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा यहाँ पे होता है। तो ये ओमकारेश्वर के ऊपर वाले तल पर है महाकालेश्वर, ये है नंदी, ये गेट है श्री महाकालेश्वर का। तो ये महाकालेश्वर मंदिर के यहाँ पे ऊपर एक अच्छा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है और बहुत बड़ा त्रिशूल लगाया है यहाँ पे। तो ये दूसरे साइड की एंट्री है ओमकारेश्वर की, अगर आप उस वाले ब्रिज से आते हैं, हम तो झूला पुल से आए थे तो हम दूसरी साइड से आए थे। सावन के महीने में है ना, बहुत भयंकर भीड़ होती है, घंटों घंटों में नंबर आता है। आज हमारा सिर्फ मात्र मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट लगे होंगे दर्शन करने में, नहीं तो ये पूरी जो आपको लेन दिख रही है ना ये सारी फुल भरी होती है। ओमकारेश्वर मंदिर में यहाँ पर एक गुफा है, गोविंदेश्वर गुफा इसका नाम है। तो ये रही गुफा, ये छोटी सी गुफा है और ये काफ़ी पुराने टाइम के यहाँ पे ये पिलर्स रखे हुए हैं। तो ये गुरुजी की मूर्ति है यहाँ पे। तो ये गुफा भी एक अच्छी जगह है, अगर आप यहाँ ओमकारेश्वर आए तो इधर भी आ सकते हैं। तो गुफा से थोड़ा सा नीचे उतरते ही घाट है, तो अभी हम खड़े हैं कोठी घाट पे, जो ये आपको दिख रही है जितनी भी बोट्स हैं, और जस्ट सामने है गौमुख घाट और नागर घाट उधर आगे, तो उधर भी स्नान करते हैं लोग, नागर घाट पे भी और गौमुख घाट पे स्नान कर कर यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। तो अभी हम परिक्रमा मार्ग की तरफ जा रहे हैं, तो उस मार्ग की तरफ जाने के लिए बीच में अच्छी खासी ये बड़ी मार्केट आती है,
ये बिल्कुल ओमकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास है। तो ये ओमकारेश्वर मंदिर से करीब 300-400 मीटर या आधा किलोमीटर मान लो आने के बाद यहाँ से परिक्रमा शुरू हो जाती है। ये परिक्रमा मार्ग लिखा है जो बना हुआ है, और यहाँ से ना बड़ा ही भव्य नज़ारा है माँ नर्मदा का। तो अभी हम पहले नर्मदा माँ के साथ साथ चलेंगे, नर्मदा रिवर के साथ, फिर एक स्पॉट आएगा जो भी आपके पहाड़ दिख रहा है ना, यह है ओमकार पर्वत। तो हम इसकी परिक्रमा करेंगे, और ये पूरा एक टापू है, इसके दूसरी तरफ भी नदी है और इस तरफ भी। इस तरफ जो है ये माँ नर्मदा है, और इसके जो दूसरी तरफ मिलेगी ना हमें वो है कावेरी। वैसे पानी नर्मदा का ही आ रहा है डैम के पीछे से, तो यहाँ से शुरुआत होगी हमारे परिक्रमा की। और यहाँ पे पूरे रास्ते में आपको ऐसे श्लोक लिखे दिखेंगे। तो जैसे हमने परिक्रमा स्टार्ट करी, सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ओमकार मठ। तो ये परिक्रमा मार्ग के साथ साथ नर्मदा नदी के उस तरफ वहाँ पर आपको ये जो दिखेंगे काफी सारे आश्रम धर्मशालाएं वगैरह बनी हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा है 400 मीटर, तो इसका मतलब हम ओमकारेश्वर मंदिर से टोटल 400 मीटर आ चुके हैं। तो इस जगह पे देखो नर्मदा रिवर का बहुत ही सुंदर नज़ारा, एकदम ग्रीनिश पानी है, एकदम साफ। और तो यहाँ पे लाइन से वैसे घाट बने हैं, वहाँ तक घाट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे मार्ग पर आपको ऐसे गीता के श्लोक देखने को मिलेंगे, ये लिखा है यहाँ पे अर्जुन उपवाच। तो करीब 700 मीटर चलने के बाद परिक्रमा मार्ग पर यहाँ पर आता है माँ नर्मदा का मंदिर। यहाँ है माँ नर्मदा विराजमान। और आपको एक और बात बतानी थी कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा को माँ रेवा भी कहते हैं। तो ये माँ नर्मदा मंदिर से थोड़ा सा आगे चलते ही हम पहुँच गए केदारेश्वर मंदिर। ये रहा, काफ़ी पौराणिक मंदिर है, यहाँ इसके बारे में लिखा है ये परमार राजाओं ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। वैसे तो ये बहुत पौराणिक मंदिर है, लेकिन ये जो अभी वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये परमार राजाओं ने बनवाया था। ये नंदी बैठे हैं, विराजमान है, अंदर है शिवलिंग भगवान शंकर का। तो इसको केदारेश्वर इसलिए कहते हैं, केदारनाथ मंदिर भी इसका नाम है, पांडवों का बना हुआ है। अच्छा, पांडवों के टाइम का बना हुआ मंदिर है। केदारेश्वर टेम्पल के जस्ट साथ में है शारदा रामकृष्ण आश्रम। तो यहाँ हर 100 मीटर पे ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है, 900 मीटर हम टोटल चल के आ चुके हैं, और लगातार ये श्लोक लिखे आ रहे हैं। ये देखो पूरे वहाँ पे आगे ये लिखे हैं लाइन से, और मार्ग बहुत अच्छा बना हुआ है ये परिक्रमा का, एकदम पक्का और बढ़िया बनाया हुआ है। और जो ये परिक्रमा है ना टोटल 7 किलोमीटर की है, ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू होती है और ओमकारेश्वर मंदिर में जाके खत्म होती है। तो यहाँ पर ये देखिए यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया हुआ है परिक्रमा मार्ग पे, जैसे कोई थक गया है, किसी को बैठना है, रेस्ट करना है, तो उसके लिए ऐसे प्रतीक्षालय भी बनाया हुआ है। जो ये पुरानी दीवार आपको दिख रही है ना, जिसके साथ साथ हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग पर, तो ये जो पुरानी मानधाता नगरी जो थी ना, जिसके राजा मानधाता थे, उसके अवशेष हैं ये। यहाँ पे किला हुआ करता था उनका, तो अब तो ये पूरा रियून्स में है, खत्म हो चुका है। तो ये जो आपको दीवार दिख रही है ना, ये पूरी, ये देखो कितनी चौड़ी दीवार है, ये दीवार है मानधाता नगरी की जो यहाँ पे हुआ करती थी पौराणिक काल में। तो ये परिक्रमा मार्ग में हम करीब 125 किलोमीटर आ चुके हैं, और यहाँ पर आकर एक रोड आ गया है। तो एक्चुअल में जो रोड है ना, जो आदि गुरु शंकराचार्य की जी की जो नई मूर्ति बनाई गई है, ये उसके लिए रोड बनाया गया है। वहां तक आप बाय कार जा सकते हैं, वो परिक्रमा मार्ग पे भी आती है, ये लिखा है परिक्रमा पथ। तो ये करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, और ये जस्ट संगम के साथ है। जो वो आपको सामने नजर आ रहा है वो है संगम। तो जो लेफ्ट साइड में है वो है नर्मदा रिवर, और जो इस तरफ से आ रही है ये है कावेरी। तो ये है ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। इधर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर चने की दाल चढ़ाई जाती है तो आप पर जो भी ऋण होगा आप उससे मुक्त हो जाएंगे, ये ऐसी मान्यता है। तो ये माता की एक मूर्ति है, ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ये छोटे से नंदी बने हुए, और जैसे मैंने बताया ऐसे दाल चढ़ाते हैं यहाँ पे चने की, ये भोले शंकर, और ये छोटा सा मंदिर है। जय ओमकारेश्वर पंडित जी। ये ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, यहाँ पर कितनी दाल चढ़ानी होती है? सवाया होनी चाहिए, चाहे सवा पाओ चाहे सवा किलो, और चने की दाल ही चढ़ती है। सवाया भेंट, सवाया भेंट। किस काल का मंदिर है? पांडव काल के समय का। तो यही ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में द्वारकाधीश मंदिर भी है, श्री रणछोर भगवान जी की जय। अंदर है भगवान श्री कृष्ण। तो ये हम पहुँच गए हैं संगम पे, और यहाँ पे काफी लोग स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे स्नान का काफी महत्व है। एक छोटा सा शिवलिंग बनाया हुआ है ये रहा, और ये बिल्कुल संगम पे है। तो अभी हम एग्जैक्ट उस स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ पर कावेरी और नर्मदा आपस में मिलती है, जो संगम जिसे कहते हैं। तो ये राइट साइड से तो आ रही है कावेरी, एंड जो लेफ्ट में आपको दिख रही है ये है नर्मदा जी। तो यहाँ पे आके इनका संगम होता है, तो इस स्पॉट को कहते हैं संगम। और यहाँ स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसके जस्ट बैक साइड में मैंने आपको दिखाया भी था, बिल्कुल मैं बिल्कुल टी पॉइंट पे लास्ट में खड़ा हूँ, यहाँ पे पीछे
मंदिर है छोटा सा। तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर तक तो हम परिक्रमा में चलते हैं नर्मदा नदी के साथ, उसके बाद अब हम पैरेलल चलेंगे कावेरी नदी के साथ। तो हम इस पहाड़ी के बेसिकली दूसरी साइड आ गए हैं। इस जगह का नाम है धर्मराज द्वार। ये भी परमारों ने, मराठों ने बनवाया था 13th century में। ये धर्मराज द्वार को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर एक काफी बड़ा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ से उस तरफ हम नर्मदा नदी को देख सकते हैं। एंड इस तरफ कावेरी लेफ्ट में यहाँ पर है राधा कृष्ण टेम्पल, छोटा सा मंदिर है, राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है सामने, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर एक और नर्मदा माता की मूर्ति है, मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई है, काफी विशाल मूर्ति है। तो यहाँ ओमकार पर्वत पर है ना गाँव भी बसा हुआ है। यहाँ पे जैसे अभी हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, मेरे ख्याल से हम कोई 3 या 4 किलोमीटर करीब आए होंगे। अभी काफी सारे घर बने हुए हैं, तो मैंने किसी से पूछा था तो यहाँ परमानेंट ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी दीवार है, यहाँ पे लिखा है पांडव द्वार। वैसे द्वार कोई बना तो नहीं है, कभी पहले होगा। ऑलमोस्ट हाफ होने वाली हमारी परिक्रमा, आधी परिक्रमा हमने कर ली है। 3.5 किलोमीटर चलने के बाद माँ कालिका का मंदिर आया है। ये बाहर हनुमान जी की मूर्ति है, ये शिवलिंग है, और ये है श्री कालिका मंदिर। यहाँ पे नंदी विराजमान है, अच्छा ये भी माँ कालिका, और यहाँ पे हवन कुंड है। तो ये भी बिल्कुल सेंटर में पड़ता है गौरी सोमनाथ मंदिर। 3.6 किलोमीटर हमने टोटल परिक्रमा कर ली है 7 किलोमीटर में से। तो ये सेंटर पॉइंट है गौरी सोमनाथ मंदिर, और ये सबसे भव्य मंदिर है पूरी परिक्रमा पे। तो ये संरक्षित स्मारक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बाय आर्कियोलॉजी आर्काइव्स एंड म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ सामने काफी बड़े नंदी बने हुए, पहले उधर दर्शन कर लेते हैं। जय नंदी महाराज। और इनके जस्ट सामने सीधे चढ़ के सामने मंदिर है, ये ना ओम नमः शिवाय। तो ये देखो शिवलिंग, कम से कम 5.5 फीट ऊंचा शिवलिंग, और बहुत बड़ा, इतना विशाल का है शिवलिंग, आपको नॉर्मली कहीं देखने को जल्दी से नहीं मिलेगा। ओम नमः शिवाय पंडित जी। तो पंडित जी आप हमें बताइए यहाँ का इतिहास क्या है गौरी सोमनाथ मंदिर का। जी ये गौरी सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो ओम पर्वत पे स्थित है। यहाँ पे मामा और भांजा दो शिवलिंग है, इन्हें मामा के नाम से जानते हैं, ये साइड में है भांजा, इन्हें भांजे के नाम से जानते हैं। यह शिवलिंग दोनों ओम आकार के एकदम मध्य पे स्थित है, जैसे परिक्रमा इधर भी आधी रह जाती है। शिवलिंग में पहले अपना भूत भविष्य वर्तमान पे दिखाई देता था, ये हीरे की तरह चमकता था। इसमें अपना भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता था कि तो यहाँ पे मुगल शासक औरंगजेब आया, उसने देखा, उसको सुअर का जन्म दिखा कि मेरा होने वाला सुअर का जन्म है। तो उसने इस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश करी, यह टूटे नहीं, सारी मूर्तियां खंडित करी परिक्रमा में, ये टूटे नहीं, तो इन्हें जला दिया बताया गया, जला दिया है। तब से ये काले हुए हैं। तो ये रूम भी सारा जो ऊपर काला है, काला इसी से है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। तो इस मंदिर की छत पे सबसे ऊपर वहाँ श्री यंत्र भी बना हुआ है, और आपको दिख रहा होगा शिवलिंग के जस्ट पीछे ये माता पार्वती की मूर्ति है, उनका नाम है इच्छा पूर्णेश्वरी माता गौरी पार्वती। तो ये शिवलिंग इतना विशाल का है कि एक आदमी इसको अपने हाथ से पूरा दोनों तरफ से पकड़ नहीं सकता। तो अब इस मंदिर के ऊपर वाले तल में चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ एकदम ऊपर जाने के लिए। ये छोटा सा शिवलिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर, तो ये आ गए हम इसके सेकेंड फ्लोर पे, वहाँ पर भी एक शिवलिंग है। गौरी सोमनाथ मंदिर से जस्ट आगे चलते आपको मिलेगा पाताली हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर हनुमान जी हैं लेटे हुए, मैंने वैसे देखी है प्रयागराज में, वहाँ पर भी हैं लेटे हुए हनुमान जी, सेकंड टाइम देख रहा हूँ मैं, काफ़ी विशेष मूर्ति है। गौरी सोमनाथ मंदिर से करीब 50-100 मीटर आगे चलते ही ये आपको मिलेगा सुलभ शौचालय। पूरे इस परिक्रमा मार्ग के मुझे बस ये एक ही दिखा है। तो हम ये पहुँच गए राज राजेश्वरी मंदिर, ये भी काफी भव्य मंदिर है इस रूट पे परिक्रमा मार्ग पे। तो ये भगवान शिव की विशाल का मूर्ति है, ये 90 फीट की है करीब इसकी जो ऊंचाई है, और ये राज राजेश्वरी जो मंदिर है के टॉप पे है, नीचे है मंदिर एंड ऊपर है काफी विशाल मूर्ति, तो बहुत ही सुंदर जगह है ये। अब हम पहुंच गए आदि गुरु शंकराचार्य जी के स्टैच्यू पे। ओमकारेश्वर की बड़ी एक आइकॉनिक चीज बनने जा रही है, वैसे भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट चल ही रहा है, और नीचे यहाँ पर म्यूजियम और कॉरिडोर भी बनेगा। तो जो ये मूर्ति है ये है 108 फीट ऊंची मूर्ति है, ये जो मूर्ति अगर आपको दिख रही है, अगर बेस की बात करें तो 91 फीट है जो ये बेस है, टोटल नीचे से लेकर ऊपर तक है वो 199 फीट है टोटल, ये वो सारा ओमकारेश्वर शहर है। तो वहाँ ओमकारेश्वर से आपको ये मूर्ति लगभग एकदम क्लियर नजर आती है, और जो ये मूर्ति है ना ये अष्ट धातु से बनी मूर्ति है। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो स्टैचू है इसमें आप परिक्रमा मार्ग से भी आ सकते हैं, और यहाँ के लिए प्रॉपर एक रोड भी बना दिया गया है नीचे से, तो यहाँ कारें आया करेंगी, तो यहाँ पे आराम
से आके पार्क हो जाएंगी और परिक्रमा मार्ग इस तरफ है, जो पैदल पैदल हम परिक्रमा कर रहे हैं कंप्लीट, इधर लिखा है परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा पे है ना सबसे भव्य चीज जो मुझे लगी वो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के स्टैच्यू से हम चल दिए आगे परिक्रमा मार्ग पे। तो ये है सीता माता का मंदिर, काफी पौराणिक मंदिर लग रहा है देखने में, एंशियंट डिजाइनिंग है इस बिल्डिंग की। अच्छा तो हनुमान जी है, बाहर सीता माता लिखा है, अंदर हनुमान जी की मूर्ति लगी है। तो ये करीब 5 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग पे चलने के बाद चांद सूरज द्वार है और ये काफी अच्छा है देखने में ये। तो इधर कई मूर्तियां भी बनी हुई है काफी एंशियंट, ये देखो ये इधर गणेश जी है और इधर माता की है, काफी अच्छा द्वार है ये। तो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई होगी और हम पहुंच गए हैं सिद्धेश्वर मंदिर में और ये अमेजिंग टेंपल है इस रूट पे। तो इस मंदिर के जो पिलर्स हैं इन पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो इस मंदिर का है ना अमेजिंग है। ये देखो गेट, ये मूर्ति तोड़ी हुई है तो इस पे जो कार्विंग ही करी है ना गेट पे अमेजिंग है। तो यहाँ पर ये है बीच में शिवलिंग। जो ये सिद्धेश्वर मंदिर है इसके 12 दरवाजे कहते हैं, इन पे 12 दरवाजे टोटल है, 12 द्वारी मंदिर भी कहते हैं इसे। चार तो चारों दिशाओं में अंदर वो दरवाजे हैं। एक ये जो पहला स्तंभ है ये वाला, तो इसको भी एक दरवाजा मानते हैं, और जो ये एंट्री पॉइंट है यहाँ से जहाँ से घुसते हैं इसको भी एक दरवाजा मानते हैं। तो पहले ये एक ये हो गया एंड एक ये हो गया और एक वो, और चारों दिशाओं में तो टोटल 12 दरवाजे हो गए इसके। तो जो ये सिद्धेश्वर मंदिर है इसकी ऐसी मान्यता है कि खुद पांडवों ने इसे बनाया था, परिक्रमा मार्ग इस मंदिर में से होकर ही जाता है। ये देखो ऐसे आगे करके निकल रहा है, कभी इसकी भव्यता कैसी रही होगी। ये हाथियों की सूंड वगैरह तोड़ दी है, तो ये मुगलों की बदमाशी और मुगलों के काम है जिन्होंने करे, हमारे मेजॉरिटी जो हमारे मंदिर थे उनको खंडित करा था कि तोड़ा था काफ़ी को, स्पेशली औरंगजेब ने, तो ये मंदिर भी उसी का ही तोड़ा हुआ है लेकिन अभी भी काफ़ी सुंदर है देखने में। तो इस मंदिर के पत्थर और ये मूर्तियाँ देखो जो खंडित हुई थी तोड़ दी गई थी वो सब यहाँ पे रखी हैं। यहाँ पे है नंदी, ये देखो ओमकारेश्वर डैम भी यहाँ से इतना क्लोज नज़र आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से पकड़ लो, ये सारा है ओमकारेश्वर डैम। तो हम परिक्रमा के ऑलमोस्ट लास्ट में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लास्ट में है कि गेट। इधर तो बनी हुई है अर्जुन की मूर्ति, लिखा अर्जुन महाराज की जय हो अर्जुन की, एंड इस तरफ जो बनी हुई है वो बनी हुई है भीम की मूर्ति, लिखा भीम महाराज की जय हो। अब बस हमारा परिक्रमा का एंड होने वाला है, ये देखो झूला पुल पे बस हम पहुंचने वाले हैं, उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा ऑफ रूट जा रहे हैं, डैम व्यू पॉइंट है। तो अभी हम पहुंच गए ओमकारेश्वर डैम व्यू पॉइंट पे, ये लास्ट पॉइंट है इस आइलैंड का जिसपे हम खड़े हैं, ओमकारेश्वर द्वीप कहते हैं जिसे। ये इस तरफ जो नदी कट गई है ये टोटल नर्मदा का ही पानी आ रहा है, इस तरफ इसको कावेरी कहते हैं, एंड राइट साइड में जो जा रही है ये है नर्मदा नदी जो ओमकारेश्वर की तरफ गई है, और इनका 3-4 किलोमीटर दूर जाके वापस संगम हो जाता है। और यहाँ से देखो बड़ा ही अच्छा व्यू है ओमकारेश्वर का, ये शहर दिख रहा है वैसे, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो इस तरफ है वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ से। तो करेक्ट 3.5 घंटे में हम परिक्रमा करके वापस झूला पुल पे ही पहुँच गए हैं, हमने 9 बजे शुरू करी थी, 12:30 बजे हमारी परिक्रमा हो गई है ख़त्म, और हमने बहुत स्लो करी थी इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो मेरे को जो लगता है ये 2 से 2.5 घंटे में, मैक्सिमम 2.5 घंटे में आराम से इजली परिक्रमा हो सकती है। तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ ओमकारेश्वर में जिसमें से अभी हम होके जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देखो शिवलिंग बने हुए कितने बढ़िया। तो हम एक स्पॉट पे आ गए जहाँ पे लिखा है राइट में है गौमुख घाट और इधर है ममलेश्वर महादेव टेम्पल, तो पहले गौमुख घाट चलते हैं, वहाँ पे हाथ मुँह धो लेते हैं फिर करते हैं दर्शन। तो ये नीचे उतर के यहाँ पे गौमुख घाट, तो ये आ गया गौमुख घाट, और इसका नाम गौमुख घाट इसलिए है कि यहाँ पर गाय के मुंह से और शिवलिंग के ऊपर पानी अर्पित होता है, लगातार गिरता है, तो जलाभिषेक ही हो रहा है लगातार शिव जी का, जहाँ से पानी गिर रहा है उसका मुंह ऐसे जैसे गाय का मुंह, इसलिए इसको गौमुख घाट कहते हैं। तो ये है गौमुख घाट और यहाँ पे लोग स्नान करके फिर ओमकारेश्वर के और ममलेश्वर के दर्शन करने जाते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी बोट्स मिल जाएंगी, बहुत सारी बोट्स देखने को मिलेंगी जो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको ड्रॉप कर देंगी वहाँ पे ओमकार घाट पे। हम यहाँ गौमुख घाट से कर रहे हैं बोटिंग, डैम तक घुमा के लाओगे, के पास संगम डैम आदि गुरु संचारी का मूर्ति करवा के मंदिर। अच्छा मंदिर जाना हो तो रिटर्न इधर ले आएंगे। हमारी बोट राइड शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा शोर करती है बोट, इनमें जो ये जनरेटर लगा हुआ है ना, तो ये अभी हम झूला पुल के नीचे से निकल रहे हैं, ये रहा झूला पुल। तो ये हम पहुंच गए हैं बिल्कुल डैम के पास, ये है ओमकारेश्वर डैम जो आपको दिख रहा है सामने। अभी हम पहुंच गए हैं संगम पे, तरफ जो आपको दिख रही है ये है कावेरी,
इस तरफ है नर्मदा। अब हम दर्शन कर रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये देखो कितनी क्लोज। वैसे एक बात, तो बोटिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, इसमें मज़ा बढ़ा रहा है। सारी चीज़ें बड़े क्लियर नज़र आती हैं क्लोज, जैसे डैम। ये देखो फ्रंट से बिल्डिंग कितनी सुंदर लग रही है वाली। जो ये दिख रहा है आपको ऊपर, ये पैलेस है मानधाता पैलेस, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे मानधाता, जिन्होंने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके यहाँ पर ये शिवलिंग की स्थापना हुई थी, जिनकी वजह से इसको मानधाता नगरी कहते थे पहले। तो उनका ये पैलेस है, अब तो काफ़ी रियूंस में है, पुराना हो चुका है। और ये आ गया दूसरे वाला ब्रिज, जिसको क्रॉस करके हम पहुँच सकते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। बोटिंग ज़रूर करें अगर आप ओमकारेश्वर में हैं तो, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। यहाँ से मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति हम देख कर आए थे ऊपर परिक्रमा मार्ग से, तो यहाँ से वो भी देखो कितनी क्लियर नज़र आ रही है पूरी। ये भाई है, हमें बोटिंग करा के लाया, बहुत मज़ा आया। नाम क्या भाई? राहुल है। अपनी खुद की राहुल केवट, खुद की बोट है। केवट तो वही थे जिन्होंने राम जी को पार करा दिया था, आज हमें पार करा के लाए। बड़ा मज़ा आया इनके साथ। तो आप बता दो क्या क्या रेट लेते हो आप एक बार? 150 रुपये सवारी लगता है। 150 रुपये सवारी इसका होता है, और अगर क्रॉस करना होता है तो मंदिर का 50 रुपये। 50 रुपये और पूरा चक्कर लगा के लाना होता है तो? नेशनल बोट करते हो 2000 रुपये, सेरिंग में करते हो 200 रुपये टिकट है। अच्छा, उसमें पूरी परिक्रमा करा के लाते 200 रुपये में? 11 किलोमीटर की परिक्रमा मात्र 200 रुपये में, पूरी करेंगे 2000, मतलब 10 सवारी का पैसा आप लेते हो। पैसा लगे। चलो बढ़िया भैया, बहुत मजा आया आपके साथ। तो हमें गौमुख घाट से बड़ी एक स्पेशल चीज नजर आती है, यहाँ पर तो है ब्रह्मा जी का मंदिर, और ये है विष्णु जी का मंदिर, और सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इन तीनों को मिला के यहाँ पर ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो बड़ी अद्भुत चीज़ है। और एक और चीज़ बतानी थी कि अभी तो पानी बहुत कम है, जब बारिश का टाइम होता तो वहाँ 179-180 वगैरह जो लिखा है वहाँ तक भी कई बार पानी पहुँच जाता है उस लेवल तक। तो जो ऊपर ये कॉरिडोर बनाया है तो इससे चल के लोग जाते हैं वहाँ पे पुल पे। अब हम पहुँच गए ममलेश्वर महादेव में, और ओमकारेश्वर में आपके दर्शन है वो पूर्ण जब ही माने जाते हैं जब आप ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में भी दर्शन कर लें, तो दोनों के दर्शन मिला के ही कंप्लीट दर्शन माने जाते हैं। और जो ये ममलेश्वर है इसको अमलेश्वर भी कहते हैं। एंड जो ये टेंपल है ये बहुत पौराणिक टेंपल है, लेकिन इसका जो पूर्ण निर्माण करवाया था वो करवाया था रानी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की रानी थी, तो उन्होंने करवाया था इसका पूर्ण निर्माण। तो जो अभी टेंपल कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ये उन्होंने बनवाया था। तो ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर हम आ गए हैं बाहर। छोटे छोटे कई टेंपल दिखेंगे, जैसे एक ये है, एक ये रहा, यहाँ पे नंदी विराजमान है। ये छोटे 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 कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे, ये देखो हर एक में शिवलिंग है, ये रहा। तो आप सब में दर्शन कर सकते हैं, ये रहा। तो टोटल लाइन से ऐसे 5 छोटे मंदिर हैं, और ये है मेन ममलेश्वर महादेव मंदिर। अभी बजे हैं शाम के 6:15, और हम आए हैं ब्रह्मपुरी घाट पे नर्मदा माँ की आरती देखने, जो यहाँ पे होती है डेली। ओमकारेश्वर डैम का नज़ारा है रात को लाइटिंग में, मतलब देखने लायक जगह है ये, स्पेशली रात को। दिन में भी हमने दिखाया था आपको, लेकिन इस टाइम तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये लाइटिंग में। तो ये रात का नज़ारा है 7:15 अभी ओमकारेश्वर मार्केट का, पूरी रौनक है यहाँ पे इस टाइम भी। तो ये हम झूला पुल पे आए हैं शाम के टाइम, तो शाम को लाइटिंग में ऐसा नज़ारा होता है झूला पुल का, और यहाँ से मंदिर भी नज़र आ रहा है, उधर भी थोड़ी लाइटिंग तो है वो जो सामने दिख रहा है आपको। कल हम रुके थे मानसरोवर में, अगर हम आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा हो जो ओमकारेश्वर आए थे, तो कल हमें रूम नहीं मिला था यहाँ गजानन महाराज में। तो आज हम रुके हैं गजानन महाराज संस्थान में, तो उसका दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेन गेट है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, एंड बहुत अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। ये इनका बुकिंग काउंटर है, तो ये ऑनलाइन बुकिंग या फ़ोन के थ्रू बुकिंग नहीं लेते, यहाँ पे ऑन द स्पॉट अगर आपको अवेलेबल होगा तो ही रूम मिलेगा। इधर है लेफ्ट में ये गजानन महाराज का मंदिर, तो यहाँ पर गजानन महाराज में काफ़ी सारे रूम्स हैं, तो 450 से शुरुआत होके, और जो सबसे महंगा रूम है 950 का है, और उसमें AC गीज़र सब कुछ, मतलब काफ़ी अच्छा रूम है। जो हमने रूम लिया वो 800 का, अभी मैं चल के आपको दिखाऊंगा। तो हमारा जो रूम है वो भक्ति निवास क्रमक संख्या 1 में है, तो ये है रूम नंबर 10 हमारा, तो काफ़ी डिसेंट रूम है ये, देखो नीट एंड क्लीन है।
तो ये 800 रुपीस का हमें मिला है एंड ये इसका वॉशरूम है। बस वॉशरूम थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, नहीं तो उसके अलावा रूम अच्छा है। तो वही है एंड अगर आप गजानन महाराज में रुके हैं ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इनका एक प्रसादालय है वहाँ पे मात्र 40 रुपए की थाली मिलती है, अनलिमिटेड थाली, और बहुत सात्विक और बहुत अच्छा भोजन होता है। अभी हम जाके उसी को करेंगे डिनर को। मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप ओमकारेश्वर साइड आए हैं तो यहाँ आके अगर आप रुकेंगे तो आपका एक्सपीरियंस वैसे ओमकारेश्वर में तो अच्छा हो गई और अच्छा हो जाएगा और डबल हो जाएगा। तो गजानन महाराज की जो प्रसादालय थे उसमें उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन हद का अच्छा फूड था, हद का अच्छा। हमने कल यहाँ खाना खाया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन बिल्कुल बिलो एवरेज खाना था। ये जस्ट जो यहाँ पे दिख रहा आपको गजानन महाराज के गेट के ऑपोजिट साइड में अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जो हमने अभी सात्विक और स्वादिष्ट खाना खाया ना उसकी बराबरी नहीं है। तो हम कल गजानन महाराज कॉम्प्लेक्स में रुके थे एंड हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का, स्पेशली फूड तो बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसा खाना है बिल्कुल सात्विक और सिंपल और अच्छा। और ये गजानन महाराज का मंदिर है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है ये। और मैंने कल आपको इसके बारे में तो सब कुछ बता ही दिया था शाम को, ये था कि उस टाइम थोड़ा रात का टाइम था, मैं एक बार इसको दिन में भी दिखाना चाहता था आपको। ये है भक्त निवास, तो ऐसे ऐसे बनी हुई है बिल्डिंग्स यहाँ पे, तो काफ़ी रूम्स हैं इनके पास अवेलेबल। तो यहाँ गजानन महाराज कॉम्प्लेक्स में अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा भी बनाई हुई है। तो ओमकारेश्वर से चलकर अब हम जा रहे हैं महेश्वर, जहाँ से 65 किलोमीटर दूर है एंड 1.5 घंटे करीब हमें लगेगा टाइम। एंड ये गजानन महाराज संस्थान है जहाँ पर हम रुके थे कल, एंड यहाँ से .65 किलोमीटर में जाना महेश्वर के लिए। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं।